ओके बेटा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे से यूज होता है, MySQL के अंदर भी है, कि हमारे पास जब भी आपको डुप्लीकेशन को रोकना, फेचिंग के वक्त, ये डेटा इंसर्ट होने के वक्त नहीं बोला, कि जब आप सेलेक्ट करते हैं डेटा जो ऑलरेडी डेटाबेस की टेबल्स में पड़ा है, तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपके अगर 15 रिकॉर्ड हैं और उनमें से 5 डुप्लीकेट है, आप चाहते हैं उन पांचों में से एक वैल्यू आ जाए, चार ना आए जो डुप्लीकेट है, तो हम क्या लगा देते हैं? डिस्टिंक्ट लगा देते हैं। कौन सा? क्लियर? उस स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर जिसको आपने एज अ डुप्लीकेशन जिसमें आप देख रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, इसके सेंटेक्स को उठाता हूं और कॉपी करके यहां पे आ जाते हैं। अब देखें यहां पे अगर अभी देखें हम, तो टेबल हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इन्फो के नाम से है। इसमें आप जाके देखो टोटल रिकॉर्ड कितने पड़े हैं बेटा? 8 है। यहां पे दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी एजेस सिमिलर होंगी, जैसे अगर आप कंपेयर करो 21 एज है उस आरएम की, 21 से कुछ और है नहीं, है 22 और 22 है, सही, जेद और यहां पे है हानिफ निकी। अब इन बच्चों को अगर मुझे क्या करना है, फेच करवाना है। 22 22, दो रिकॉर्ड क्या है हमारे, 22 के तीन है, हाँ हसान भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि तीन रिकॉर्ड बेटा ऐसे हैं हमारे पास जो जिनकी एज क्या है, डुप्लीकेट या सिमिलर है, सिंपल सी बात है। अब मैं चाहता हूं मुझे इनमें से एक ही बच्चा चाहिए जो बिल्कुल टॉप पे पड़ा है। टॉप पे कौन पड़ा है? हसान पड़ा है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट डिस्टिंग, और मैं किस कॉलम के हिसाब से रोकना चाहता हूं वैल्यूज को, एज वाइज। तो यहां पे क्या लिखूंगा, एज। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि सिलेक्ट करो वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एज वाइज किस टेबल से, स्टूडेंट इन्फो से। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे आके एग्जीक्यूट करता हूं। अच्छा जी, ये स्टेरिक नहीं देना, यू हैव टू गो विथ दिस। अब ये कौन कौन से रिकॉर्ड उठा रहा है? बाकी तो सारे उठाएगा, एज वाला एक ही कॉलम उठा। मैं काम करता हूं इनके नाम भी डिफाइन कर देता हूं। बच्चों के नाम क्या है भाई? नेम का कॉलम भी दिखाओ और एज का भी दिखाओ। अब देखें ये अलाउ कर रहा है नहीं, देखें इनकरेक्ट सेंटेक्स। लेकिन अगर मैं इसको कहूं नाम मुझे बाद में सर्च करवाना है, सिलेक्ट एग्जीक्यूट, आ रहे हैं बच्चे। देखें अब इनमें से पहला बच्चा कौन सा था, इसने रोका सही डुप्लीकेशन को, एज वाइज है ना। एज वाइज कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? अच्छा 22 वाले मैंने बताया नहीं उसको, लेकिन आपके 20 के रिकॉर्ड आ रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जब इसको हम इस तरह से चला रहे हैं कि दो कॉलम लगा रहे हैं इसके पास, कि डिस्टिंग एज फिर दूसरा कॉलम दे दिया हमने, तो इसमें इश्यू ये आ रहा है कि हमारे पास एक्यूरेसी नहीं आ रही, यानी जो डिस्टिंग का काम है वो तो हो नहीं रहा, सारे ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमें ऐसे करना नहीं, हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम इसको एक ही कॉलम दें ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अब एक चीज नोट करें, टोटल रिकॉर्ड 8 है जिनमें से 3 डुप्लीकेट है। जिनमें से कितने डुप्लीकेट है? 3। तो आप चाहते हैं उन तीनों में से एक रिकॉर्ड है, बाकी ना है ना, तो सिलेक्ट करेंगे अब और एग्जीक्यूट करेंगे तो बेटा देखोगे आपके पास 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? और 22 या 20 एज के सिर्फ एक एक बार रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं। 20 एज के दो बच्चे थे, 22 के 3 थे, तो 22 का एक आया, दो नहीं आए, 20 का एक आया, एक नहीं आया, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 5 रिकॉर्ड आए और 3 डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी नहीं है। ये क्यों नहीं आई? बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन डिस्टिंक्ट कहता है कि मेरे पास आपको एक ही कॉलम देना है, तभी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, वरना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहेगी। तो आपको ऑलवेज डिस्टिंक्ट के साथ एक ही कॉलम यूज करना है, यू कैन नॉट यूज मल्टीपल कॉलम्स विथ, यू कैन से डिस्टिंक्ट।